आदिवासी नेतृत्व यानी ट्रेडिशनल हेडमैन को कुछ सम्मान राशि देने का कार्य किया है। ये माननीय रघुवर दास जी ने इसके लिए मानकी जो समाज के जो ट्रेडिशनल हेडमैन हैं, उनको 3000 मुंडा ग्राम के प्रधान ऐसे पदधारियों को 2000 रुपया और डकुआ प्रगनाय गुड़ाम नाइकी और पढ़ा राजा ग्राम सभा के प्रधान घटवाल तावेदर को 1000 रुपया ये सम्मान राशि देने का काम किया है, जिससे कि अपनी जो है संस्कृति और परंपरा को ठीक ढंग से आगे बढ़ा सकता है और इनके लिए संरक्षण और संवर्धन का कार्य हुआ है। इसी प्रकार से आदिवासी बहुल गांव में आदिवासी विकास समिति का गठन किया गया और जहां पर जनजाति गांव नहीं है वहां पर विकास के लिए वो ग्राम विकास समिति का गठन किया गया। और यह राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 5 लाख तक की राशि उन लोगों को उस गांव में जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार विकास के कार्यों को कर सकते हैं, इस प्रकार का प्रावधान हमारी सरकार ने किए। और इस क्षेत्र में प्रिमिटिव ट्राइब्स भी रहते हैं, उनकी जो स्थिति जंगल पहाड़ में रहने के कारण संसाधनों का अभाव रहने के कारण कई प्रकार की समस्याओं से झेलना पड़ता है और उसके परिवार का किस तरह से समृद्धि हो उन्नति हो इस दृष्टि से उन लोगों के लिए उन प्रिमिटिव ट्राइब के लिए जो है स्पेशल 2 बटालियन का गठन किया गया है, जो कि आज हमारे प्रिमिटिव ट्राइब भाई बहन झारखंड सरकार में एक पुलिस की नौकरी में आकर के अपने परिवार को उन्नति की ओर ले जा रहा है। इसी प्रकार से जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के तहत ST SC ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के हमारे छात्रों को 30 लाख से ज्यादा बच्चों को 527 करोड़ रुपये देकर के छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। पहली बार रघुवर सरकार ने ही राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने का फैसला लिया। पहली बार शहीद ग्राम योजना के तहत शहीदों के 7 जिलों के अंतर्गत 20 गांव में 1125 घर बन रहे हैं, जिसमें 490 घरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। शहीद के गांव को सभी सुविधा देकर के आदर्श गांव बनाया जा रहा है। रांची स्थित आप सभी लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा जो जेल है उसको संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा को याद किए और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा की ये जो यहाँ जेल रांची में था उसको संग्रहालय के रूप में विकसित करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के एक बहुत काफी देर से लगभग 1 घंटा विलंब से ये प्रेस वार्ता आरंभ हो रही है, इसलिए भाजपा परिवार की ओर से पहली बार ऐसा विलंब हुआ है, वो भी जानबूझ के नहीं, आकस्मिक किसी कारणों से विलंब हुआ है। अपने माननीय सांसद जी रास्ता में आ रहे थे, एक्सीडेंट के कारण में वो जाम में फंस गए थे, इसलिए हम लोग हृदय से आपसे क्षमा के प्रार्थी हैं। ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए अपने बीच आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह झारखंड से राज्यसभा सांसद माननीय समीर राव जी, अपने भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विनेश्वर राव जी, मैं स्वयं अशोक बराय प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा। ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, मैं सीधे माननीय सांसद जी से आग्रह करते हैं कि आप सभी को संबोधित करेंगे। माननीय सांसद जी भारतीय जनता पार्टी
दीनदयाल सभागार में उपस्थित हमारे प्रेस वार्ता में पार्टी के उपाध्यक्ष श्री अशोक नायक जी और मोर्चा के महामंत्री श्रीमान बिंदेश्वर राव जी और यहाँ उपस्थित विभिन्न पत्र पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हमारे संवाददाता मित्रों, इस संवाददाता सम्मेलन में प्रेस वार्ता में आप सबों का स्वागत है। साथ ही मैं आकस्मिक कारणों से रास्ता में फंस गया था, जिसके कारण मैं आप सबों के बीच विलंब से पहुंचा हूं, इसलिए हृदय से क्षमा चाहता हूं। साथ ही आज का जो प्रेस वार्ता का विषय है उसको मैं प्रवेश करता हूं। मित्रों, ये झारखंड बनने के बाद और झारखंड बनने के पहले भी भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसे देश में राजनीतिक पार्टी है जो कि देश राज्य के जनता के हितों के लिए काम करती है। उसमें भी खास करके समाज के अंदर कौन से समुदाय, कौन से लोग सबसे पीछे हैं, समाज के मुख्य धारा में जुड़ने से थोड़ा पीछे रह गए हैं, ऐसे लोगों को लगातार कई प्रकार के योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते जोड़ते हुए समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करती रही है। इस देश के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुए, उस समय जनजातियों के लिए स्पेशल जो है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्थापना किया और यह झारखंड बनने के बाद हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी आदिवासी जनजातियों के लिए कई प्रकार के रचनात्मक योजनाओं को प्रारंभ किया है।